हेलो स्टूडेंट्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र प्रकाश, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट, जैसा आप लोग जानते हैं, आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सभी लोगों को पता भी है इस तरीके से कि किस तरीके से एक महाराष्ट्र में एक बल्क में वैकेंसी आप लोगों के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का महाट्रांसको में निकला है आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट। तो उसी के लिए स्टूडेंट, एक पेड कोर्स हमारी अकेडमी के थ्रू आप लोगों को ईडी ऑनलाइन क्लासेस से, यहाँ से आप लोगों के लिए एक पेड कोर्स स्टूडेंट इस तरीके से, जिसमें आपका सारे सब्जेक्ट्स को थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली, ठीक है, और जितना हो सकता है चीज़ों को प्रैक्टिकली इक्विवेलेंट करते हुए, प्रैक्टिकली रिलेट करते हुए, हर एक सब्जेक्ट को आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ डिफरेंट बुक्स से, जहाँ से आपको, चाहे वो लास्ट ईयर हो या आपके पहले के एग्जाम्स में हो, जिस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पहले पूछे गए हैं या जैसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है, उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ ये पेड कोर्स हम लोग डिजाइन कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो जो हम सब्जेक्ट इसमें आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट, इस तरीके से अगर हम बात करते हैं अपने स्पेशलिस्ट जो हमारा के हमारा एक्सपर्टाइजेशन का सब्जेक्ट भी इस तरीके से, जिसे हम बहुत अच्छे से ट्रीट करवा के चलते भी आपको, वो है आप लोगों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट और एनालॉग सर्किट्स, जिसे अलग अलग नाम से हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं इन्हें, ठीक है। तो एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही कंटेंट हम लोग इसको लेकर चलेंगे। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरेटिकली देखेंगे सब्जेक्ट को, फिर उसके न्यूमेरिकली एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ये कैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है और किस तरीके से आपको उसे टैकल करना है, किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व ही नहीं, इसके साथ साथ हम ये सिखाएंगे आप लोगों को, ये चीजें बताएंगे कि कैसे एक शॉर्ट वे में, कम से कम समय में आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। उन सारी चीजों को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि जो आपका सब्जेक्ट का कंटेंट होगा, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हमारे पास होंगी। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आप लोगों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो जैसे लास्ट ईयर तक के भी आपने एग्जाम देखे होंगे, तो चाहे वो आपका डायोड सर्किट एनालिसिस था या जीनर डायोड था, ठीक है, या सेमी कंडक्टर से बेसिक क्वेश्चन था या ट्रांजिस्टर का था, हर टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट ईयर भी एग्जाम में पूछा गया था और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछता भी है इस सेक्शन से, ठीक है, जो जनरल आपके गेट और आईएएस में प्रीवियस ईयर में जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल चाहे थ्योरेटिकल हर टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है, वही क्वेश्चन आप लोगों को इसी तरीके से यहाँ पर भी पूछता है। तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होगा वो होगा इस तरीके से, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग लेकर चलेंगे वो है स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का सेमी कंडक्टर फिजिक्स इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले जो हम आपको डिस्कस करेंगे वो है आपका सेमी कंडक्टर फिजिक्स आपका, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर फिजिक्स में स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे मटीरियल से, कि सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या था या किस तरीके से डेवलप हुआ था, उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज कैरियर क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इसी के बाद हम आपको कि सेमीकंडक्टर में सबसे पहले जो आपका आएगा मटेरियल्स, कि व्हाट इज द मटेरियल या क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मटेरियल। कि मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो जैसा हमें पता है थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल, दैट इज इंसुलेटर, कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। कि तीन टाइप का मटेरियल होता है, उनकी प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डिफरेंट वेज में, चाहे वो आपका एनर्जी बैंड डायग्राम के बेसिस पर हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर हो या टेम्परेचर के बेसिस पर हो, अलग अलग तरीके से एनालिसिस करेंगे पहले डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को इस तरीके से, एग्जाम्पल देखेंगे उनके, फिर देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है इनकी, किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस होता डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, ये क्या यूज होता है और किस मटेरियल का यूज कहाँ होता है, वो सारी चीजों को देखेंगे हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद हम देखेंगे कि जैसा सेमी कंडक्टर आपका कि दो टाइप का हम देखते हैं, इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक, तो वहां से स्टार्ट करेंगे पहले सेमीकंडक्टर को कंप्लीट डिटेल में कि क्या इफेक्ट आता है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर पर आपका, चाहे वो टेम्परेचर का है, डोपिंग का है, ठीक है, या अगर हम बात करते हैं कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या इसी तरीके से बात करते हैं कि एट द रूम टेम्परेचर व्हाट इज द वेरिएशन इन कंडक्टिविटी, व्हाट इज द वेरिएशन इन एनर्जी बैंड गैप, या व्हाट इज द वेरिएशन इन इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन, कि क्या इफेक्ट आता है इन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पर, ठीक है, चाहे वो थ्योरेटिकली है, न्यूमेरिकली है, या आपको कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, उन सारी चीजों को लेकर चलेंगे हम लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले इसी तरीके से सेमीकंडक्टर फिजिक्स में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से इनको डिटेल में देखते हुए कि कैसे एन टाइप बनेगा, कैसे पी टाइप बनेगा, ठीक है, ये क्या इफेक्ट आता है आपका कि डोपिंग अगर हम करते हैं, डोपिंग हमने पढ़ा है कि डोपिंग क्या होता है आपका इंट्रेंसिक को एक्सट्रेंसिक में चेंज करने के लिए एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, कि अगर आप इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं एक इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में, एक प्योर सेमीकंडक्टर में, उससे क्या इफेक्ट आता है कंडक्टिविटी पर, ठीक है, और क्या इफेक्ट आता है इफ यू आर डूइंग डोपिंग इन एट अ हाई लेवल या हैवीली डोपिंग, ठीक है, कि अगर हम हैवी डोपिंग कर रहे हैं उससे क्या इफेक्ट आता है सेमीकंडक्टर में, क्या चेंज आता है, ठीक है, मास एक्शन लॉ, चार्ज न्यूट्रलिटी, ये सारे बेसिक छोटे छोटे जितने भी प्रिंसिपल है उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, ठीक है। फिर सेकंड आता है स्टूडेंट आप लोगों का कि आफ्टर द स्टडी ऑफ सेमीकंडक्टर यू नो द सेमी व्हाट इज द सेमीकंडक्टर आइदर एन टाइप और पी टाइप,
देन वी डिजाइन द सेमी कंडक्टर डायोड, ठीक है, कि हम जब पी और एन टाइप के सेमी कंडक्टर के एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से जोड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कैसा एक डायोड होता है। तो यहां से जो आपका अगला चैप्टर होगा इस तरीके से, दैट इज पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हैं कि सेमी कंडक्टर फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका हॉल इफेक्ट, ठीक है, वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस होंगे। मिनिमम कंडक्टिविटी, डोपिंग करने से फर्मी लेवल पर इफेक्ट, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बाय डोपिंग या बाय डोनर डोपिंग और बाय एक्सेप्टर डोपिंग, की क्या इफेक्ट आता है इस तरीके से, वो सारी चीजें डिस्कस होंगी स्टूडेंट यहां पर आपकी। ऐसे ही अगर हम देखते हैं पीएन जंक्शन डायोड, तो हाउ इट इज मेक, ठीक है, कि कैसे पीएन जंक्शन डायोड बनता है, ठीक है, ये क्या इफेक्ट होता है आपका एन साइड ज्यादा डोपिंग से, क्या होता है पी साइड से, ये डोपिंग का आपका डिप्लीशन विड्थ पर क्या या डिप्लीशन रीजन पर क्या इफेक्ट आता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है, फॉरवर्ड व्हाट इज द फॉरवर्ड बायस, व्हाट इज द रिवर्स बायस, व्हाट इज द बायसिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, की क्या इफेक्ट फॉरवर्ड बायसिंग का होता है, कैसा रेजिस्टेंस होता है, कैसा टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, हर एक चीज को एनालाइज करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले सारी चीजें डायोड की थ्योरेटिकली हम लोग देखेंगे, हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद, ठीक है, जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी इस तरीके से, वो होगा आप लोगों का डायोड सर्किट एनालिसिस, ठीक है, कि डिफरेंट डायोड के सर्किट्स को, ठीक है, एनालाइज करेंगे। कि आपको पूछा भी जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन देता भी इस तरीके से, छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ देगा कहीं पर, वोल्टेज या डायोड करंट पूछ देगा, ठीक है, या सर्किट में आपका वोल्टेज करंट कुछ भी इस तरीके से पावर पूछ सकता है, ठीक है। तो उस केस में हमें यह पता होना चाहिए कि डायोड ऑपरेशन कैसे कर रहा है, जो सबसे पहली बात आती है इस तरीके से आती है कि डायोड ऑपरेट कैसे कर रहा है, वो फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, प्रैक्टिकल है, आइडियल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है, इंटरनल ड्रॉप है या नहीं है, ठीक है, कितना वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज कितना है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना है, ठीक है, इन सारी चीजों को, या एनर्जी बैंड गैप कितना है, हर एक चीज को हम लोग यहां पर समझेंगे इस तरीके से। तो डायोड को कंप्लीट डिटेल में करने के बाद सेमीकंडक्टर से डायोड बना और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड से बनकर आता है इस तरीके से आप लोगों का ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर हमेशा याद रखिएगा कि अगर सिंपल ट्रांजिस्टर लिखा है, इट मीन्स ये डिनोट कर रहा है किसको, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी को, कि क्या कहा इस तरीके से आप लोगों का, बीजेटी यहां से। तो बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बीजेटी, व्हाट इज बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, टाइप्स ऑफ बीजेटी, ठीक है, हाउ इट इज मेड, ये कैसे बनता है, ये किसकी डोपिंग कहां पर होती है, विच टर्मिनल हैविंग हाईएस्ट डोपिंग, विच टर्मिनल हैविंग लार्जेस्ट साइज, कि किसका साइज सबसे ज्यादा होता है, किसमें डोपिंग ज्यादा होती है, या किस जंक्शन पर फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस अप्लाई करके हम लोग ऑपरेटिंग रीजन देख सकते हैं, व्हाट इज द ऑपरेटिंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, हाउ इट कैन आइडेंटिफाई, कि वो कैसे पहचाना जा सकता है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रांजिस्टर में, ठीक है, प्रॉपर्टी से लेकर कॉन्फ़िगरेशन से लेकर कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, देन प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन, की क्या प्रॉपर्टी हर एक कॉन्फ़िगरेशन का स्पेसिफाइड होता है इस तरीके से, इस सारी चीजों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम लोग इसी तरीके से आपका कहां पर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि बीजेटी हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो गया, फिर ट्रांजिस्टर को लेकर चलते हैं स्टूडेंट, चाहे इसका डीसी एनालिसिस हो, एसी एनालिसिस हो, सारे एनालिसिस को हम लोग देखेंगे, डीसी लोड लाइन, एसी लोड लाइन, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ट्रांजिस्टर बाय मूविंग द क्यू पॉइंट अपर साइड ऑफ दिस मिडिल लाइन या अपर साइड ऑफ द डीसी लोड लाइन, कि क्या इफेक्ट आता है कि अगर क्यू पॉइंट आपका अपर साइड शिफ्ट हो रहा है, लोअर साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, व्हाट इज द सैचुरेशन पॉइंट, व्हाट इज द कट ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द डीसी लोड लाइन, ठीक है, कि क्या एक डीसी लोड लाइन का मिडिल पॉइंट होता है, वो सारी चीजें आपकी ट्रांजिस्टर में। इस तरीके से जब हम लोग ट्रांजिस्टर को स्टडी कर लेंगे स्टूडेंट, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा या अगला जो चैप्टर होगा, दैट इज ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं बीजेटी की, तो फिर हम लोग लेकर चलते हैं बीजेटी एज एन एम्पलीफायर, कि कैसे एक बीजेटी आप लोगों का एम्पलीफायर के तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो एम्पलीफायर के तरीके से यूज देखेंगे कि बीजेटी कैसा एम्पलीफायर बनता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि बीजेटी एज एम्पलीफायर हो गया इस तरीके से, फिर हम लोग देखते हैं यहां से आपका कि आपका क्या होता है इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कैसा आता है स्टूडेंट इस तरीके से, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर, कि कैसा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका डिफरेंट एम्पलीफायर सर्किट का होता है, ठीक है, अगर हम यहां से देखते भी हैं। अगला अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से, तो नेक्स्ट कैसा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गया। फिर इसी के बाद अगर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में क्या आएगा आपका, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल, पाई मॉडल, एच पैरामीटर मॉडल, एच पाई मॉडल, एवरीथिंग इज डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है, कि सारी चीजें यहां पर डिस्कस होंगी। अगला अगर हम बात करते हैं तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आपका,
जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एन चैनल, पी चैनल, एनपीएन, पीएनपीएन, एनमॉस, पीमॉस, एनहांसमेंट, डिप्लीशन टाइप, ठीक है, हर एक को कैरेक्टरिस्टिक के साथ, हर एक पैरामीटर को डिटेल लेते हुए, हर एक का डेरिवेशन के साथ, न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर एफईटी में, ठीक है। इतना फिर बात करते हैं इसी तरीके से आप लोगों का, तो एफईटी एज एन एम्पलीफायर, अगला अगर हम देखते हैं इस तरीके से, तो एफईटी एज एन एम्पलीफायर, कि कैसे एक एफईटी आप लोगों का एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अगला क्या कहा, इस तरीके से हम लोगों ने एफईटी एज एन एम्पलीफायर, और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं स्टूडेंट आप लोगों का, तो नेक्स्ट आता आप लोगों का एफईटी एम्पलीफायर हो गया। फिर हम लोग चलते हैं एक बेसिक टॉपिक पर, वो होता आप लोगों का फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो फीडबैक एम्पलीफायर से आपने बेसिक क्वेश्चन हर एग्जाम में इस तरीके से देखा भी होगा पहले भी, कैसा क्वेश्चन होता आप लोगों का कि आपको पहचानने को दे देगा कि आइदर इट इज वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, वोल्टेज संट, करंट संट, ठीक है, या फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इनपुट इंपीडेंस इफ द कॉन्फ़िगरेशन इज वोल्टेज सीरीज, या सर्किट आपको दे देगा और सर्किट से कहेगा कि क्या इफेक्ट आएगा, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑन वोल्टेज गेन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन बैंडविड्थ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन नॉइस, डिफरेंट तरीके से, इस तरीके से आपको न्यूमेरिकली भी पूछ सकता है, थ्योरेटिकली भी पूछ सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फोर कॉन्फ़िगरेशन, फोर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन इन नेगेटिव फीडबैक, दैट इज डिस्कस इन दिस चैप्टर बाय थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली, कॉन्सेप्चुअली, हर मेथड से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर के बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट आप लोगों का, तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से आप लोगों का डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो यहीं पर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के साथ ही डार्लिंगटन पेयर एम्पलीफायर को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में क्या आ जाएगा कि डिफरेंशियल मोड गेन, कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीएमआरआर, ठीक है, या व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ सीएमआरआर, व्हाट इज द आइडियल वैल्यू ऑफ कॉमन मोड गेन, या ट्रांजिस्टर के लिए एनालाइज कैसे करते हैं डिफरेंशियल गेन को, कॉमन मोड गेन क्या होता है, सर्किट को सॉल्व कैसे करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट इसी तरीके से, तो अगला आता है आप लोगों का ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपैम्प जिसे हम कहते हैं। तो ओपैम्प इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, जहां से आप लोगों को डिफरेंट टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सिंगल सेक्शन, ठीक है, कि जहां से आप लोगों को अलग अलग टाइप के मल्टीपल क्वेश्चंस को एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम को देखें, गेट, आईएएस, कि बड़े से लेकर छोटा तक क्वेश्चन यहां से पूछता है, और सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि यहां पर क्या करते हैं हम, केसीएल और केवीएल हमें अच्छे से आना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग होती है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में चाहे उसके कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन हो, ठीक है, या उसके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो, उसमें सर्किट से क्वेश्चन हो इस तरीके से, या एप्लीकेशन से हो, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की हेल्प से जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका, एक और बात याद रखिएगा इस तरीके से कि क्या कहा यहाँ पर, जब हम लोग बीजेटी एज एन एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर लेंगे यहाँ से, एक और चीज यहाँ पर आपकी आती है स्टूडेंट आप लोगों की, दैट इज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। इसको ऐड रखें कि ये भी आपका यहाँ पर होगा, ये ना सोचें कि ये टॉपिक्स सिर्फ होंगे बाकी टॉपिक्स नहीं होंगे, इनसे बचे हुए टॉपिक भी, इसके अलावा भी जो आपके काफी टॉपिक्स हैं स्टूडेंट आप लोगों की, वो भी आपको क्लास में डिस्कस होंगे। तो मल्टी स्टेज में आरसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ कपलिंग ट्रांजिस्टर्स आर इंट्रोड्यूस देयर, ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बाद, तो ये आता आप लोगों का मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज मल्टी वाइब्रेटर, इस तरीके से जिसमें आपका ए स्टेबल, बाई स्टेबल, मोनो स्टेबल, अलग अलग मल्टी स्टेज, अलग अलग मल्टी वाइब्रेटर को हम लोग डिफरेंट तरीके से कैसे, कि सबसे पहले थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल एनालिसिस को देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, फिर डिफरेंट टाइप के जो आप लोगों के फॉर्मूलाज निकल कर आएंगे उन्हें देखेंगे, कंपेयर करेंगे अलग अलग, ठीक है, देखेंगे कौन सा आपका अच्छा है, कहाँ पर यूज हो सकता है उसके, फिर न्यूमेरिकली क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का मल्टी वाइब्रेटर आप लोगों का। अगली बात अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट सर्किट आता आप लोगों का वेव फॉर्म जनरेटर, दैट इज ऑसिलेटर, ठीक है। अगला कौन सा आता आप लोगों का इस तरीके से, ऑसिलेटर, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करते हैं ऑसिलेटर की, तो ऑसिलेटर क्या होता है आप लोगों का, सर्किट या द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज डिजाइंड बाय अप्लाइंग पॉजिटिव फीडबैक टू एन एम्पलीफायर सर्किट, ठीक है। तो ऑसिलेटर होता है क्या करता है आपका, ऑसिलेशंस को जनरेट करता है, एक एसी, एक डीसी सिग्नल को, कॉन्स्टेंट वैल्यूड सिग्नल को एक फ्लक्चुएटिंग सिग्नल में चेंज करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑसिलेटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर, चाहे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी हो, उनके एप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी रेंज, सर्किट डायग्राम, सर्किट एनालिसिस, गेन, फीडबैक गेन, या आपका
क्या कहते आपका ये हो गया इस तरीके से, वो आपका क्या होता है फीडबैक फैक्टर इस तरीके से, या आप लोगों का बारखाउसेन क्राइटेरियन, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग ऑसिलेटर सर्किट में। लास्ट इस तरीके से आता आप लोगों का तो ये होगा आप लोगों का 555 टाइमर, ठीक है। ये क्या हो जाता है इस तरीके से 555 टाइमर सर्किट को बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि जो टॉपिक्स लिखे हैं ये तो आपके कवर होंगे ही, साथ ही साथ आपके जो कुछ और टॉपिक भी जैसे मिसेलनियस टॉपिक होते हैं जिनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछता है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स में, ठीक है। तो उन्हें लेते हुए मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो आपका महाट्रांसको पर रहेगा कि लास्ट ईयर की तरह आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जो पहले पूछा गया वो अब नहीं पूछा जाएगा या अब कुछ अलग नहीं पूछा जा सकता, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्ट मेंशन है इस तरीके से। तो हम लोग क्या लेकर चलेंगे कि हर एक टॉपिक से कोई भी ऐसे बारीक सी भी चीज ना हो, कोई भी एक पॉइंट भी ना हो कि जहां हम लोग स्किप करें, हर एक चीज को डिटेल में लेते हुए, हर एक चीज को हम लोग प्रैक्टिस करते हुए बहुत अच्छे से तैयार करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट स्टूडेंट आप लोगों का, ये सब्जेक्ट कंटेंट आप लोगों का जिसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, हर टॉपिक के बाद हर सब आपके चैप्टर के बाद आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, लाइव सेशन होगा आप लोगों का जहां पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है, या कहीं पर कोई समझ स्टेप नहीं आता आपको तो डायरेक्टली आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों का मार ट्रांसको असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो आपका पेड कोर्स ईएडी ऑनलाइन क्लासेस से लॉन्च हो रहा है, उसमें आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस इस तरीके से, ठीक है, या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का कंटेंट हम लोग किस तरीके से इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। इतना तो आज के सेशन के लिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।